वो नहीं लाए जरूरत ही नहीं, यही तो है करके जा रहा है, यही तो वहाँ जाएगा। पहले क्यों लाते थे? उसको मैंने देखा कि ला रहे हैं तो फिर मैं बंद कर दिया। नारायण 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बाबा जी महाराज पावन प्रसंग एक सितंबर आनंद रस रत्ना का इसमें संदेह नहीं कि श्री हरि बाबा जी महाराज आज भी ब्रह्म रूप से ईश्वर रूप से आत्म रूप से और विराट रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, उनका स्वरूप अविनाशी है। हरि बाबा जी महाराज के बारे में महाराष्ट्र ने जो संक्षेप में उनकी जीवनी या संस्मरण कह सकते हैं लिखवाए, तो उसी में से आज का पृष्ठ लिया है। और सबसे पहले महर्षि ये बात बता रहे हैं कि संतों का जो स्वरूप है वो अविनाशी है। प्राणी मात्र का स्वरूप अविनाशी है, पर प्राणी मात्र को उसका अनुभव नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी होते हैं उनमें अज्ञान में अपने को अविनाशी न जानकर व्यक्ति विनाशी जानता है। संत जो हैं वे गुरु की कृपा से ठाकुर जी की कृपा से जब अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो वो अपने को विनाशी रूप से कभी नहीं जानते, कभी नहीं मानते। और जब विनाशी रूप से नहीं मानते तो वो जो अविनाशी स्वरूप है उसके यहाँ चार विशेषण दिए महाराष्ट्र ने, ब्रह्म रूप ईश्वर रूप आत्मरूप और विराट रूप। इसमें संदेह नहीं कि श्री हरि बाबा जी महाराज आज भी, आज भी यानी हरि बाबा जी महाराज तो समझो कि उनका जो शरीर उनका जो भौतिक शरीर है वो तो कई वर्षों पहले उन्होंने छोड़ दिया। तो भौतिक शरीर छूटने पर जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो विराट है, वो कहीं थोड़ी चला जाता है। समुद्र में लहर आई, लहर मिट गई तो क्या हुआ? जल ही तो है, जल ही तो लहर के रूप में दिखी, और वो जब शांत हो गई तो लहर उसका जो नाम हमने दिया उस उतने जल का जो उस रूप में आई लहर के रूप में उसका नाम हमने दे दिया क्योंकि उस रूप में आई तो उसको लहर कह दिया। पर उसका मिटना हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ क्योंकि जब वो उस रूप में थी तब भी जल रूप में ही थी और वो जल तो अभी भी है।
तो इसलिए जो प्राकट्य होता है महापुरुषों का, वो ये जो सच्चित आनंद रूपी तत्व है, उस तत्व में ही एक, उसमें चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कुछ भी, कोई क्यों ना हो, वो भी प्रकट होते हैं और संत भी प्रकट होते हैं, हम लोग भी प्रकट होते हैं, पर हम चूंकि अज्ञान में हैं तो इसलिए हम लोगों के लिए एक वाक्य नहीं कहा जा सकता जो हरि बाबा के लिए महाराज श्री कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि श्री हरि बाबा जी महाराज आज भी ब्रह्म रूप से, भौतिक रूप से नहीं कह रहे, भौतिक रूप से तो हरि बाबा जी अंत में कहेंगे, तो वो जब कहेंगे तब उसकी बात हम समझाएंगे। अभी महाराषि जो कह रहे हैं वो बात मैं बता रहा हूँ कि आज भी ब्रह्म रूप से, ईश्वर रूप से, आत्म रूप से और विराट रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, उनका स्वरूप अविनाशी है। ये तो हो गई तत्व की बात, अब उनके जीवन की बात बता रहे हैं। जब वो प्रकट हुए और लीला रूप में संत लीला उन्होंने की, तो उनके जीवन का ये अद्भुत चमत्कार था कि वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोते थे। उनका कहना था कि जीवन में प्रमाद या अनियंत्रण का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो एक तो है कि कहने वाले तो बहुत मिलेंगे पर करने वाले नहीं मिलते, और यहाँ महाराष्ट्र कह रहे हैं कि वो कहते भी थे और वो करते भी थे। कहते क्या थे कि प्रमाद और जीवन में जो अनियंत्रण है वो नहीं होना चाहिए। तो महाराष्ट्र इसको अद्भुत चमत्कार बता रहे हैं उनके जीवन का, क्या, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया कि अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होते। उनके जीवन में विनय और छोटे बालक का सा सरल भाव था, छोटे से छोटा काम अपने हाथ से कर लेते, बराबर बैठते, निराभिमानता की तो मानो मूर्ति ही हो। परंतु जो लोग स्वयं अपने मुंह अपने को बड़ा मानते हैं, उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं थे। संसार जिनको बड़ा कहता है उसमें उनकी कोई महत्व बुद्धि नहीं थी। सबसे पहले महर्षि बता रहे हैं उनकी विनम्रता की बात, और उसके बाद कह रहे हैं कि छोटे से छोटा काम अपने हाथ से कर लेते। ये छोटे से छोटा काम हम अपने हाथ से क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में संस्कार होते हैं कि नहीं ये काम उसको तो जूते बर्तन मैं नहीं धोऊंगा, उसको बुला ये बर्तन साफ कर दो। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमको ये जूठे बर्तन धोना ठीक थोड़ी है। शिव जी के मंदिर में महाराष्ट्र के समय की बात है, एक सभा हुई थी, बड़े बड़े विद्वान आए थे संस्कृत के, बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ तो सब लोगों को दूध या चाय जो भी कुल्हड़ में, तो वो कुल्हड़ का ज़माना था, अब तो सब बदल रहा है, सबको कुल्हड़ दिए गए, सब लोगों ने पिया, जो सभ्य लोग थे उन्होंने जाके अपना कुल्हड़ बाहर, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने वहीं रख दिया, मतलब शिव जी के मंदिर में यहाँ बैठे थे वहीं, तो हम भी बैठे थे, नैशानी जी भी थे और भी लोग थे। तो हमारे मन में ये नहीं आया कि हम वो जो रख दिया है कुल्हड़ उठा के उसको बाहर ले जाए। हमने देखा महेशानंद जी ने तुरंत कुल्हड़ उठाया, उसका जूठा कुल्हड़, तब हमको समझ में आया कि देखो ये है ना, महाराष्ट्र के जो संस्कार उनको मिले हैं ना, कितने कब से सेवा कर रहे थे, जब वो गृहस्थ थे तब से बम्बई में महाराष्ट्र से उनका मिलना हुआ, और अवध नारायण दुबे के रूप में वहाँ एक बार संपर्क हो ही गया। सब लोग सच्चिदानंद जी वो भी व्यापारी थे वो, है ना, बम्बई में, तो तभी तो होटल बना दिया ना आनंद वृंदावन को, व्यापारी नहीं होते तो होटल ओंकारानंद जी 20 साल रहे महाराष्ट्र के बाद, होटल नहीं बना, आश्रम रहा, व्यापारी तो होटल ही बनाएगा, क्या करें, संस्कार है ना व्यापार, उनका दोष थोड़ी है, उनका दोष नहीं है। ये जो चार चीज़ें हैं
ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप, आत्म रूप, विराट रूप, एक ही है चीज के चार अलग अलग रूप होते हैं। विराट रूप तो जो बोलते हैं भगवान, बहुत बड़े विराट रूप हो गए, जैसे भगवान विराट रूप हुए वो बात अलग है। यहाँ जो विराट शब्द प्रयोग किया है वो भगवान वाले विराट रूप का नहीं, क्योंकि भगवान तो ईश्वर बोल दिया ना एक बार जी, ईश्वर तो फिर उसको वापस थोड़ी रिपीट करेंगे जी। एक बार ईश्वर बोल दिया तो उसमें सब आ गया, विराट या बामन या जो भी मत्स्य अवतार या जो भी, तो ईश्वर में कवर हो गया। विराट जो है ये वेदांत का शब्द है। क्या है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और एक होता है अपना स्वरूप। तो जागृत हमको पता है, स्वप्न हमको पता है, सुषुप्ति हमको पता है, स्वरूप के बारे में इतना पता नहीं। तो स्वरूप के लिए शब्द आते हैं ब्रह्म, आत्मा, है ना। तो ब्रह्म रूप, ब्रह्म शब्द स्वरूप के लिए आएगा तो यानी बृहत, ब्रह्म यानी कुछ भी नहीं छोटा उसमें से। ब्रह्म बोले तो अब दूसरा कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं, ब्रह्म में सब कुछ आ गया। आत्मा से ऐसा लगता है कि मैं आत्मा, पर वो मैं बोले तो शरीर नहीं, आत्मा यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इससे भी जो एकदम अंतरतम है, जो कि शुद्ध चैतन्य है, उसको आत्मा कहें। लास्ट जो, हाँ नहीं, उसको लास्ट बोल नहीं सकते, ये सब वेदांत की बातें हैं ना, तो पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लास्ट वास्ट वहाँ नहीं चलेगा। तो आत्मा जो है वो, क्योंकि व्यक्ति अपने को शरीर जान रहा है तो पहले उसको कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा जानो। तो आत्मा जाने का यानी शुद्ध रूप जो है हमारा वो ये सब नहीं है। शुद्ध रूप हमारा जो है वो चैतन्य, जैसे समुद्र में लहर आई तो लहर हमने नाम दे दिया जी। पर है वो जल ही जी। अब वो एक बहुत बड़ी लहर है और एक छोटी लहर, छोटी सी लहर जी। तो जो बहुत बड़ी लहर है, सुनामी में इतनी बड़ी लहर है ना, तीन तीन चार चार माले का इतनी बड़ी लहरें आती हैं, तो वो जो छोटी लहर है उसको डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, तो वो गुरु के पास जाती है। तो गुरु कौन है? वो बड़ी लहर जी। तो बड़ी लहर जो है उसको समझो कि ज्ञान है कि हम मर नहीं सकते, तो वो जो डर रही है मरने में तो वो उसको ज्ञान देती है बड़ी लहर, तुम मरोगे नहीं। और एक है समुद्र पूरा का पूरा जी। तो समुद्र जो है उसको हम बताएंगे ईश्वर जी। बड़ी लहर को हम कहेंगे संत जी। छोटी लहर को हम लोग जीव, अज्ञानी जी। कितने भी उपदेश करें तो भी हम डरते रहते हैं, है ना। कितना भी कहें कि भाई तुम डरो मत, मरोगे नहीं, फिर भी मरने को डरते हैं। स्वामी रामानंद जी ने कहा है, बोले यहाँ जन्म से ही सिखाया जाता है हिंदुओं में कि तुम मर नहीं सकते, अरे फिर भी वो जो है हिंदू हमेशा डरता रहता है मरने से। तो उनका कहने का भाव ये है कि सुनने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो जब हमको उसकी प्यास होगी तब ज्ञान होता है। अभी तो हमारी प्यास उधर की नहीं है ना, प्यास जब होती है, महाराष्ट्र को प्यास थी, कैसे 30-30 मील चल के जाते थे महात्माओं से मिलने, और ईश्वर का दर्शन हुआ, कितना जप किया, फिर भी वो प्यास जो है और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, संन्यास ले लिया। तो प्यास वाला व्यक्ति जो है वो बैठ नहीं सकता, किसी को आग लग जाए, बहुत होते हैं केसेस,
तो अब वो कैसे जो है साड़ी दीपक करते हुए कितने हजारों केसेज है ना, बहुत से मर गए बहुत से जिंदा है, तो वो आग लगने पे कैसे वो भागेगी या भागेगा, तो वो देखने लायक होता है। ऐसे ही जिसको प्यास लगती है वो बैठ नहीं सकता, संभव ही नहीं। वो अगर बैठा है आराम से कर रहा है कुछ, अभी वो प्यास जगी नहीं। आज ही मैं सुबह सोच रहा था, एक ओंकार प्रसाद व्यास करके महर्षि के शिष्य, अभी उनका शरीर पूरा हो गया, तो मेरे पास आए थे। महर्षि तो 87 में चले गए, वो तो अभी मुश्किल से मुझे लगता है 8-10 साल पहले गुजरे। तो महर्षि के जाने के बाद भी, महर्षि के समय में भी वृंदावन बहुत रहते थे मध्य प्रदेश के, जबलपुर के पाटन या उधर के थे, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सफ़ेद कपड़ों में थे पर परिवार से सब बच्चे बच्चे सब बड़े हो गए, काफ़ी सेटल हो गए, तो अपना भजन वजन करते थे वृंदावन में, बहुत रहते थे, जाते रहते थे घर पे। तो फिर ऐसे मन में आया कि क्या जाना है, संन्यास ले लें, तो हमसे परामर्श किया कि स्वामी जी संन्यास ले लें। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ कि जो व्यक्ति पूछ रहा है कि हम संन्यास ले लें, उसका कोई अर्थ नहीं। महर्षि को भी, वो भी गृहस्थ थे, पर जब उनके हृदय में आया तो किसी को पूछने नहीं गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी, माँ से भी, किसी को भी नहीं कहा। सीधे शंकराचार्य वहाँ प्रयाग में कुंभ में और गए और बोले मैं आ गया। तो ये जब आग लगती है तो व्यक्ति बैठ नहीं सकता ना, इसलिए वो जो बड़ी लहर है वो छोटी लहर को उपदेश तो करेगी, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो बल्कि बड़ी लहर को समझ में आ जाएगा, छोटी लहर को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तो लहर तो दृष्टांत है, तो हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना, पर उससे ये ऐसा होता नहीं है कि भाई हम अविनाशी हैं। क्यों क्यों? क्योंकि अभी वो प्यास नहीं है, जब प्यास होगी तभी उसकी समझ आएगी। अभी तो सुनते रहो, संस्कार पड़ेगा धीरे धीरे इसमें, है ना, और रुचि बढ़ेगी और अपना सत्संग बढ़ेगा, इसलिए उसके मनाही नहीं है। तो ब्रह्म जो है वो तो एक ऐसा शब्द है जिसके लिए कोई उपमा नहीं है संसार में। जैसे यहाँ तो लहर का और ये सब बता दिया, तो समुद्र को ईश्वर बताया, ब्रह्म नहीं कहा, बड़ी लहर को संत बताया, है ना, छोटी लहर को प्राणी जीव, हम लोग सब। तो अब वो है तीनों के तीनों समुद्र, पानी जलीय, ईश्वर भी जल है, बड़ी लहर भी जल है, छोटी लहर भी जल है, इतना ही है। छोटी लहर जान नहीं रही है, बड़ी लहर को ज्ञान हो गया, हरि बाबा जी का हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान हो गया, तो दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, पर किसको, जिसको ज्ञान की प्यास हो। तो महर्षि कह रहे हैं कि हरि बाबा ब्रह्म रूप थे, तो ब्रह्म रूप जो है उसके लिए कोई उपमा नहीं है। वो ब्रह्म तो समझने के लिए पूरा का पूरे वेदांत में प्रवेश करना पड़ेगा, उसको जो है समझाना, शब्द उसको दे दिया गया है, ब्रह्म को ब्रह्म शब्द तो दे दिया है, पर ब्रह्म को समझावे कैसे, तो उसके लिए जो है अपनी बुद्धि को भी, बुद्धि के भी परे वो चीज़ है, एक ऐसा शब्द दे दिया ऋषियों ने जो कि बुद्धि के उसमें आएगा नहीं पकड़ में। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का भी प्रकाशक है, बुद्धि उसी से प्रकाशित हो रही है। संडासी हर एक चीज़ को पकड़ सकती है, पर संडासी अपने को नहीं पकड़ सकती। चिमटा जो है अपने सामने की चीज़ को पकड़ सकता है, पर चिमटा अपने को कैसे पकड़ेगा? तो बुद्धि जो है, बुद्धि के सामने जो चीज़ आएगी वो तो पकड़ सकती है, पर बुद्धि का जो प्रकाशक है वो ब्रह्म है। तो बुद्धि का प्रकाशक ब्रह्म है, तो
एक बुद्धि का नहीं, सब बुद्धियों का, समष्टि बुद्धि का प्रकाश है। तो समष्टि बुद्धि में तो ईश्वर भी आ गए, उसका भी प्रकाशक है। इसलिए ब्रह्म जो है बहुत जबरदस्त चीज है, ईश्वर से भी ऊपर है। इसलिए कहा ना कि इसमें जैसे जल है, तो जल ही, जल को हमने समुद्र कह दिया है ना, बहुत बड़ी राशि है ना, पर समुद्र भी तो कहीं ना कहीं है जी। समुद्र भी तो कहीं ना कहीं है, है कि नहीं? समुद्र के लिए भी स्पेस चाहिए कि नहीं, आकाश चाहिए। इसलिए ब्रह्म को जो है एक ऐसा, ऋषियों ने एक ऐसी वस्तु बताई है जो कि व्यक्ति बुद्धि की परी चीज है, तो बुद्धि के परी चीज है, फिर ये ब्रह्म शब्द लाने की जरूरत क्या है? कौन सी बुद्धि उसको पकड़ सकती है? जिस बुद्धि में वेदांत के शब्दों के जो आचार्य समझाते हैं, शास्त्र के जो शब्द हैं वेदांत के, उसके जिसमें संस्कार होंगे वो इसको समझ पाएंगे। बुद्धि की पकड़ नहीं है, क्योंकि बुद्धि का प्रकाशक है, पर फिर हरि बाबा ने कैसे जान लिया, महाराष्ट्र ने कैसे जान लिया, उड़िया बाबा को कैसे ज्ञान हो गया, साईं को कैसे ज्ञान हो गया? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि में इतना सत्संग, इतना शास्त्र का ज्ञान, इतना जो बताया जाता है वेदांत के बारे में और सब शास्त्रों का निचोड़, वो जब डाला वो बुद्धि पकड़ सकती है, वो बुद्धि ही ब्रह्म को समझ सकती है, सामान्य बुद्धि नहीं समझ सकती। इमरजेंसी में आलू छीलने के लिए कुछ चाकू था नहीं, मिला नहीं, तो ब्लेड से छील लिया, फिर क्या हुआ? वो ब्लेड से शेव कर सकते हैं जिसे आलू छीला? सामान्य बुद्धि जो है वो और सामान्य बातें समझ लेंगे सत्संग की, पर उसकी उपमा है उस ब्लेड के जिसने, जिसे आलू छीला है, वो शेव उससे नहीं कर सकते। सामान्य बुद्धि सामान्य बातों को तो पकड़ लेगी, तो बोले स्वामी जी आप समझाइए ब्रह्म हमको, हम समझ लेंगे। नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत 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 जब सत्संग किया होगा है ना, तब वो पकड़ में आएगा कि ब्रह्म, पकड़ में यानी थोड़ा सा उसकी आइडिया आएगा कि ब्रह्म किसको कहते हैं, समझ गए? हाँ, तो सामान्य बुद्धि जो है, इसीलिए ऐसा मैं बहुत बार कहता हूँ आनंद रत्नाकर में, वेदांत के जब पृष्ठ आवे तो उसको पढ़ के आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत माथापच्ची करोगे तो संभव है कि दिमाग खराब हो जाए, है ना, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े कि महाराज अभी तो बहुत गर्मी हो गई, क्यों क्या हो रहा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ आनंद श्रद्धा करो उसमें भी वेदांत के पृष्ठ मेरे को है ना समझने का बहुत शौक है, ऐसे नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे करने से बातें अपने आप आएगी समझ में, तो जितना समझ में आता रहे है ना, तो ब्रह्म तो बहुत ऊंची चीज है, ईश्वर हम जानते ही हैं, आत्मा मैंने अभी समझाई दिया, और विराट जो है वो जब सृष्टि बनाते हैं ईश्वर, तो ईश्वर जब सृष्टि बनाते हैं तो ईश्वर तो खुद ही है वो, फिर एक समष्टि स्वप्न यानी एक पूरी प्लानिंग उनकी होती है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ, उसको ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, वो ब्रह्मा जो है वो जब बनाता है तो उसको कहते हैं विराट, प्रोडक्शन मशीन, समझे? विराट बोले तो ये सब विराट है, अभी जो जिसमें हम बैठे हैं ये विराट रूप है, ये ठाकुर जी का रूप है ना, इसको कहते हैं विराट रूप, वो विराट नहीं तुम्हारा, बावन भगवान विराट बन गए वो नहीं जी। विराट रूप अभी इस समय जो उपलब्ध है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है जी। आकाश में देखो कितने तारे, कितने है ना नक्षत्र, कितने क्या, ये सब विराट है, इसको विराट रूप कहते हैं। तो विराट रूप से वही है, कौन? ब्रह्म। ब्रह्म ही सब बना हुआ है, ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही विराट रूप है, और वो ब्रह्म रूप से संत ने अपने को जान लिया है, समझे कि नहीं जी।
उनके जीवन का यह अद्भुत चमत्कार था कि वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोते थे। उनका कहना था कि जीवन में प्रमाद या अनियंत्रण का प्रवेश नहीं होना चाहिए। उनके जीवन में विनय और छोटे बालक का सा सरल स्वभाव था। छोटे से छोटा काम अपने हाथ से कर लेते, बराबर बैठते, है ना, बराबर बैठते, यानी ऐसे नहीं कि कोई कोई ऊँचा बैठा है हम नीचे बैठे, या कोई नीचे बैठा है हम ऊँचे बैठे, बराबर बैठने का मतलब सबके साथ बैठ जाते थे। तो वही इसीलिए अगला वाक्य है, निराभिमानता की तो मानो मूर्ति ही थी, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति नीचे नहीं बैठेगा, है ना, पर उनमें अभिमान था ही नहीं, बराबर बैठ जाते, सबके साथ बैठ जाते। परंतु जो लोग स्वयं अपने, अभी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो लोग स्वयं अपने मुंह से मुंह अपने को बड़ा मानते हैं, उनकी ओर आँख उठाकर देखते तक नहीं। संसार जिनको बड़ा कहता है उसमें उनकी कोई महत्व बुद्धि नहीं। अब अगले वाक्य में कह रहे हैं, उनके जीवन में जैसी गुरु निष्ठा देखने में आई वैसी अन्यत्र दुर्लभ। उनके गुरु स्वामी श्री सच्चिदानंद गिरी की कृपा से बाबा को अधिक ब्रह्म निष्ठा प्राप्त हुई। श्री हरि बाबा जी की जीवनचर्या में महापौरुष का प्रकाश था। जब उन्होंने करीब 700 गांव, वहां की गायें और किसानों को गंगा जी की बाढ़ से ग्रस्त और संतरस्त देखा तो स्वयं फावड़ा और टोकरी लेकर बांध बनाने के काम में लग गए। उनको देख के झुंड के झुंड लोग जुट पड़े। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों को तो हर साल जब भी बाढ़ आती थी परेशानी होती थी, तो बांध बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो केवल 10 महीनों में 23 मील लंबा बांध तैयार हो गया, जिसके निर्माण में करोड़ों रुपयों का खर्च होता। वे सभी वस्तुओं को ईश्वर रूप और सभी क्रियाओं को ईश्वर की सेवा समझते थे और बताया करते थे। यहाँ पे ओले बरसे थे, मालूम है तेरे को? वृंदावन अभी भी है रिकॉर्डिंग। हाँ, तो हम उस दिन गए थे वहाँ हरि बाबा के बांध में, वहीं पे पुस्तक हमको मिली। तो ये गंगा जी दिखाया है इन्होंने, गंगा जी ऐसे आती है, तो ये गंगा जी में बाढ़ आती थी तो इधर के सब गांव जो है 700 गांव के करीब, यानी इतना लंबा गंगा जी का बाढ़ के ऊपर, बाढ़ आने से, तो ये बांध दिखाया, ये एरो दिखाया ना, ये बांध उन्होंने बनाया। 23 मील यानी किलोमीटर ज़्यादा आएगा, 23 मील लंबा बांध तैयार हो गया। अच्छा, उनमें एक अद्भुत विशेषता ये थी कि वे किसी की निंदा सर्वथा नहीं सुनते थे। निंदा करने वाले से कह देते थे कि भगवान का नाम लो या बाहर जाकर कोई काम करो। कोई आया है बता रहा है, कोई सच्ची बात है तो उसको बता रहा है, ऐसे ऐसे ऐसा आदमी है, ऐसे गड़बड़ किया, तो उनको नहीं सुना, तो फिर भी वो सुना रहा है तो बाहर काम करो, बाहर जाओ, है ना, और यहाँ पर सत्संगी होगा तो बोलेंगे भगवान का नाम, यानी ये सब चर्चा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सच्ची नहीं है ना सृष्टि, अगर सच्ची होती, ये बात थोड़ा गृहस्थों के लिए कठिन पड़ती है, है ना, क्योंकि सच्ची मान के तो सब चला रहे गृहस्थी, ये है सब संतों का विषय, वैराग्य की बातें हैं, पर है यथार्थ, सच्ची बात वही है। तो सृष्टि जो है संतों की दृष्टि में सच्ची नहीं है, इसलिए वो संत कहते थे घर की बात घर में, यानी तुमको आके सुनना है तो जो है सत्संग की बात सुनो, उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, है ना, क्योंकि घर की बात जो है घर में, इसका अर्थ है कि वो सच्ची है ही नहीं, प्रतीति है। जैसे स्वप्न सच्चा नहीं होता, स्वप्न में, स्वप्न के समय में हमको नहीं पता लगता है कि सच्चा नहीं है, उस समय तो हम सच्चा ही मान रहे हैं, उठने के बाद पता लगता है। ऐसे ही संत लोग तो अपने स्वरूप में जग गए ना, तो जगने के कारण उनको सब पता है कि ये कुछ भी सच्चा नहीं है, यहाँ तक कि ये जो बोल रहा हूँ वो भी और जो सुनने वाले हैं वो भी, तो फिर ये बोलना और सुनना क्यों हो रहा है, संत फिर उपदेश क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जितना बोलना और सुनना जो झूठी चीज का चल रहा है, वो जब रोक के और सच्ची चीज को जानने के लिए संत लोग बोलते हैं कि लोग सच्ची चीज को जाने, अगर वो बोलेंगे नहीं तो सच्ची चीज को जानोगे कहीं,
सर्प दिखा मंद अंधकार में, गोपालगढ़ आप लोग आए, लाइट नहीं थी और एकदम आप लोग डर गए, तो हम वहीं थे, हमको मालूम था कि इधर वो काम चल रहा है तो पाइप पड़ा हुआ है ना ऐसे, बट पाइप का टुकड़ा वो सांप के जैसे दिख रहा है, तो हमने उसको पाइप को उठा लिया हाथ से, तो ये लोग तो घबरा गए थे कि सांप है जी। तो जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक तो है ना सांप ही दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए संत अगर बोलेंगे नहीं, बात को बताएंगे नहीं कि सच्ची क्या है, इसलिए वो बोलते हैं। बाकी उनको ये भी पता है कि ये जो बोला जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, वो भी बता नहीं सकते ना। अभी देखा ना, ब्रह्म को बताने में हम नहीं बता सकते, बोल के नहीं बता सकते ब्रह्म क्या है। तो ये ईश्वर को बताना कोई सामान्य बात थोड़ी है। पर संत लोग लखाते हैं जिस चीज़ को हम बता नहीं सकते। ये पुस्तक है, मैं बता दूंगा कि ये पुस्तक है, पर मैं ईश्वर को बता नहीं सकता हूँ तो उसको मैं लखाऊँगा। लखाने का अर्थ क्या है कि द्वितीय का चंद्रमा एकदम लकीर के जैसे, और एक व्यक्ति को देखना है कि, पर वो सब जगह देख रहा है, उसको दिख नहीं रहा। तो वहीं जहां हम लोग खड़े हैं बाहर, तो वहां एक नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ के एकदम ऊपर की जो दो डालियां हैं उसी के बीच में वो एकदम चांद है, द्वितीय का चंद्रमा लकीर है, छोटी सी लकीर। तो ये इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है। तो हमने कहा कि देखो, तेरे को दिख नहीं रहा है ना, वो नीम का पेड़ है ना, वो नीम के पेड़ पे जो ऊपर की दो डाली है दिख रही है, हाँ, वो दो डाली के बीच में देखो जरा ध्यान से, वो देखेगा तो एकदम उसको द्वितीय का चंद्रमा दिख गया। तो नीम जो है वो तो हमारे गोपालगढ़ में है, तो चंद्रमा तो कहाँ आकाश में है, क्या संबंध है नीम का उसके चंद्रमा से? कोई संबंध नहीं। पर फिर भी हमने उसका उपयोग करके उसको, जिसको नहीं दिख रहा था उसको दिखा दिया। ऐसे ही ईश्वर को, ब्रह्म को कोई दिखा नहीं सकता, पर संत लोगों के पास ऐसी युक्ति है कि जिससे वो अगर जानना चाह रहा है तो उससे उसको बता देंगे। दिखा ऐसे सामने ला के नहीं दिखा सकते, पर उनको आइडिया आ जाएगा कि क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है। इसीलिए ये जो दर्शन अर्शन होता है ना, इसको भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। दर्शन को अच्छा मानते हैं, भक्ति में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर वेदांत की दृष्टि से वो दर्शन हुआ, वो दर्शन होकर चला गया, हम तो वहीं के वहीं वापस, वही की वही, वही दुखी, वही वो, ये दर्शन का कोई फायदा नहीं। तो फिर कौन से दर्शन का फायदा है? ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर जब भी कृपा करते हैं तो संत को भेजते हैं, और वो संत जो है वो ईश्वर क्या है उसका ज्ञान देता है। ईश्वर दर्शन भी दे वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, उसका भी प्रभाव पड़ता है जीवन में, पर उससे भी बड़ी बात है कि ईश्वर का ज्ञान हो जाए। तो हरि बाबा के बारे में कह रहे हैं कि सच्चिदानंद गिरी उनके जो गुरु जी थे उन्होंने उनको ज्ञान दे दिया था, इसलिए वो ब्रह्मनिष्ठ, स्वयं हरि बाबा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। अच्छा, ये इसका भी बता दिया बांध के बारे में, अब कह रहे हैं निंदा के बारे में भी बता दिया कि निंदा नहीं सुनते थे। उनके जीवन में ये प्रत्यक्ष देखा गया कि वे सर्वदा ही किसी न किसी बड़े महात्मा के साथ रहे, बड़ों की छत्र छाया में रहने से अपने में दंभ अभिमान आदि दोष नहीं आते। ये हरि बाबा के जीवन की बात आप देखें, आनंदमयी माँ को बुला के लाते थे, उड़िया बाबा को, है ना, उड़िया बाबा तो इतने प्रसन्न थे उनके, अपने आश्रम में उन्होंने, है ना, बल्कि वो आश्रम उड़िया बाबा ने अपने लिए नहीं बनाया, हरि बाबा के लिए ही बनाया। तो आज भी हरि बाबा का उड़िया बाबा के आश्रम में वो कमरा है। महाराष्ट्र को और भी अनेकों संत, पंजाब के अनेक संत, तो ये उनकी विशेषता बता रहे हैं कि वे सर्वदा ही किसी न किसी बड़े महात्मा के साथ रहे, बड़ों की छत्र छाया में रहने में से अपने में दंभ अभिमान आदि दोष नहीं आते। वे किसी के पांव छूने में हिचकिचाते नहीं थे, सबको हृदय से लगा लेते थे, उन्हें सफाई बहुत पसंद थी।
उनका कहना था कि अपने हृदय को भगवन्मय बनाओ, संसार में एक ईश्वर ही निर्दोष है। वे कहा करते थे, संकल्प पूरा करने का आग्रह संसारियों का होता है, साधु के संकल्प का तो टूट जाना ही अच्छा है। जहां अपना संकल्प पूरा नहीं होता, वहां अपने प्रियतम प्रभु का संकल्प पूरा होता है। सदाचार का प्रचार प्रसार इष्ट होने पर भी वे स्वयं भगवत रसा स्वादन में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। उनको पसंद तो था कि लोग सदाचारी बने, है ना, उसके लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर वो पसंद होने के बाद भी उनका जो जीवन था अपना भजन में, भगवत रसा स्वादन में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। उन्हें भूत भविष्य प्रचार या लोक कल्याण की कोई वासना नहीं थी। वासना वाला व्यक्ति क्या करेगा कि चलो ये बांध का काम पूरा हो गया है, कितने 10 महीने में, तो 10 महीने में पूरा हो गया तो फिर उसके बाद दूसरा काम है ना, फिर दूसरा मिशन, फिर दूसरा, ऐसा कुछ नहीं। वो काम पूरा हो गया फिर अपना आनंद में, कोई वासना नहीं थी। वे जानते थे कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अपने आप को परमानंद प्रभु में और उनके रस में मग्न रखना यही जीवन की सफलता है। उनका कहना था कि महात्मा शरीर से भी अमर होता है। जो शुरू में महाराष्ट्र ने कहा ना कि अविनाशी, तो अविनाशी स्वरूप से हैं। इनका ये कहना था कि शरीर से भी अमर होता है, यानी महात्मा का दर्शन भी हम लोग, अगर हमारे में बहुत प्रबल इच्छा है तो भले उसका भौतिक शरीर पूरा हो गया, वो प्रकट हो जाएगा, ये उनका कहना था। महाराष्ट्र को भी ये अनुभव हुआ उड़िया बाबा जी के लिए, युवराज जी की परिक्रमा कर रहे थे उड़िया बाबा जी, शरीर पूरा हो गया था, सामने से आए और महाराष्ट्र के गले लगे, उसी में लीन हो गए, तो महाराष्ट्र को ये अनुभव हुआ। तो ये कहते थे कि महात्मा जो है शरीर से भी अमर रहता है, क्यों, क्योंकि उसका दिखना न दिखना तो आँख मिचौनी का एक खेल है ना, तो दिखना न दिखना मतलब आए लीला करके चले गए तो फिर भी दिख सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि आँख मिचौनी का एक खेल है। यानी हरि बाबा को स्वयं को अपने गुरु जी के दर्शन होते थे, इसलिए उनका ये अनुभव था और वो कहते थे कि महात्मा शरीर से भी अमर होता है। उनकी मुस्कान, उनके अधरों की थिरकन, उनकी प्रेम भरी चितवन, उनके कर कमलों का स्पर्श, उनकी मीठी मीठी बातें लोगों को प्रत्यक्ष सी दिखती है। यानी ये जो उनका पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र ने वर्णन किया है, वो भक्तों ने जिस रूप में देखा था, तो आज भी उनके भक्तों को उनका वो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके करुणा कोमल कर कमलों की छत्र छाया अब भी भक्तजनों के त्राण कल्याण में तत्पर है। ये है आज का प्रश्न। आज मैं, हमारे श्याम जी भी जा रहे हैं, अनिल भी जा रहे हैं, कैसे मेरा